कलर एंड पूरा इंटीरियर आपने डिजाइन किया है, कैसे थीम रख के कैसा किया आपने? बस आपने ये दिमाग से दे दिया, आपने पहली बार करा हूँ मैं ये फील्ड में आया हूँ तो अपने हिसाब से दे दिया मैंने, जैसा इनको अच्छा लगा वैसा किया। ये एक्चुअली असलम भाई जो हमारे हैं ये कर्नाटक का गुलबर्गा से हैं और इनको तो भोजपुरी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। हम लोगों ने एक हिंदी सॉन्ग किया, काफ़ी अच्छा सॉन्ग हुआ है जिसमें सिंगर फरहाद भी मंडी वाला और रितु पाठक, भाविन भानुशाली एक्टर है उसमें और इनकी बेटी उसमें भाविन के अपोजिट की है। तो हमने फर्स्ट गाना वो किया था और हमारा कंटिन्यू ये था कि हिंदी करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मतलब भोजपुरी काफ़ी अच्छी मार्केट हो गई एल्बम की दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में। तो हमारे दोस्त, हमारे भाई हसबनी जी बहुत ख़ास दोस्त हैं हमारे, तो ऐसे एक दिन बैठे कि म्यूज़िक कंपनी हम लोग, क्योंकि देखो गाने लेके हम मार्केट में घूमते तो हमें पता है क्या होता है, बनाने के पहले जो बड़ी बड़ी सब चीज़ें होती है कि ये करेंगे करें, लास्ट में क्या होता है कि बड़ी कंपनियाँ इंटरटेन नहीं कर पाती हैं। तो असलम भाई ने बोला कि मैं खुद की कंपनी डालूंगा, बड़े बिजनेसमैन हैं तो यहाँ मुंबई में इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस चलता है और गुलबर्गा में काफ़ी बड़े मतलब लेवल पे इनके बिजनेस हैं सब। तो हम लोगों को अच्छा लगा ये चीज़, हमने कहा कि चलो एक काम करो म्यूज़िक कंपनी शुरू करते हैं। तो ये भोजपुरी से शुरुआत की है, खाली भोजपुरी नहीं हिंदी भी कंपनी है हमारी, हरियाणवी भी है और भोजपुरी, तीनों लैंग्वेज में एक साथ अभी आ रहे हैं और आज भोजपुरी की शुरुआत हुई है। कृष्णाष्टमी को था, अच्छा दिन था। असलम भाई आपने किसी बड़े आर्टिस्ट को लेके अभी तक कोई सोचा है मुझे अगर म्यूजिक वीडियो बनाना है जैसे कि अभी भाविन को, भाविन को लेकिन उन्होंने किया है अभी वही वही बड़ी आर्टिस्ट का प्लान है, अभी हो गई चीजें शुरुआत हो गई। आने वाला टाइम में आपको इस भोजपुरी चैनल में भी खेसारी हो, पवन सिंह हो, नीलकमल जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनको भी हम लोग बात चल रही है हमारी और अच्छे गाने और इससे भी अच्छे अच्छे गाने अभी आएंगे और भी क्या नाम उनका शिल्पी राज उनका भी ऑडियो हमारे पास है ऑलरेडी। बहुत अच्छी सिंगर बैठी हैं आविया जी भी, अभी पवन सिंह के साथ इनका गाना ट्रेंडिंग, इनका गाना भी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ये भी अभी गा रही है हमारे कंपनी के सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ हम काम करेंगे। अभी तो शुरुआत थी, चलो ठीक हमने हिंदी से शुरुआत की थी लेकिन भोजपुरी क्या एक हो गई जल्दी जल्दी में चीज़ें, लेकिन आज जो आपके सामने है वो चीज़ें आगे नहीं होंगी, इससे काफ़ी अच्छे लेवल की चीज़ें होंगी। ये तो ठीक है, एक शुरुआत बात हो कि कैसे भी आदमी एक जर्नी चालू करता है, फर्स्ट स्टेप रख दिया, फर्स्ट स्टेप रखे हिंदी के कर चुके हैं, धीरे 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 अपन और भी आगे जाएंगे। अभी इसमें मार्केट में चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी गाने हो अभी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है बना रहे हैं जिसपे कुछ आपको यूनिक लगेगा कि मैं ऐसा प्रस्तुत करूंगा दिखाऊंगा ऑडियंस को तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, इसमें बॉलीवुड में कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, सबसे हटके करना चाह रहा था, हटके ही किया जाएगा जो भी मतलब जो कुछ भी किया जाएगा ऑडियंस को देखते हुए, ऐसा भी नहीं करना है कि ऑडियंस से ही हटके निकल जाएगा नहीं, जो पब्लिक तो ऐसा करेंगे जो ऑडियंस को चाहिए पब्लिक डिमांड के हिसाब से करें, हाँ लाइक करें ताकि, क्योंकि हमारी कंपनी अभी न्यू है और ऑडियंस का और आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि कंपनी को थोड़ा सपोर्ट करें और अच्छे काम हम कर सकें। तो इस कंपनी के द्वारा क्या कोई फिल्म आएगा कि सिर्फ एल्बम तक किसी में? नहीं 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 फिल्में भी करेंगे हम धीरे, अभी शुरुआत है, शुरुआत अभी हमने एक नींव डाली है, जैसे एक घर बनता है तो पहले अपने पिलर डालते हैं ना, तो समझो हमारा हमारा एक पिलर है जो अभी नींव डाल तैयार किया है, आगे बैक टू बैक आपको और हिंदी के भी दो तीन गाने शूट हो चुके हैं, अब उसकी भी लॉन्चिंग होगी हिंदी गाने की, हरियाणवी में भी सब जितने अच्छे सिंगर उनसे हमारा चल रहा है, दो तीन गाने का ऑडियो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, भोजपुरी तो हमारे 10 गाने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे बैक टू बैक जो आपने भोजपुरी में जो लिया है जय दो स्टार कास्ट का नाम क्या है? अभिषेक शर्मा और मिश्रा, अभिषेक मिश्रा जो अभी बोल के आप अभी आए हुए भी। अच्छा, और लड़की कौन है? लड़की का नाम है अर्किता, अर्किता जी हैं, नहीं वो नहीं असलम जी आपने जर्नी बताई कंपनी ये प्रोडक्शन हाउस जो आपने तीन प्रोडक्शन हाउस दिख रहे हैं बड़े बिलाल हुंडेकर मेरे बेटे के नाम है, इनके नाम से बिलाल हुंडेकर फिल्म प्रोडक्शन खोला है मैंने। एक्चुअली हमारे जैसे HSK म्यूजिक कंपनी है ना, ये सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करती है और जो बिलाल फिल्म प्रोडक्शन है वो फिल्म के लिए प्रोडक्शन, वो फिल्म कंपनी अलग है और म्यूजिक कंपनी अलग है, अलग से। तो HSK सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक कंपनी है जो म्यूजिक प्रोड्यूस करेगी। रियाज तो सही दोस्त है, इनके फ्रेंड है जो इनके साथ सपोर्ट में शोरूम है, जूली का शोरूम सोलापुर में है, तो इनको सपोर्ट में स्पॉन्सर है, यूसुफ मरपली स्पॉन्सर है, रियाज हुंडेकर स्पॉन्सर, दोनों स्पॉन्सर है। आप बताइए कि मतलब ये गाने का मतलब
क्या मतलब कहाँ शुरुआत हुई, कैसे जर्नी, मतलब एक्चुअली ये प्रिंस हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर से, तो आज मैं भी पहली बार मिला हूँ, लेकिन फ़ोन पे इतने बातें हो गई कि हम लोग को लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले फर्स्ट टाइम। मैं भी आज आप जैसे आप लोग मिल रहे हो, मैं भी सर से पहली बार ही मिला हूँ, बट हमारी फ़ोन पे अच्छी बात हुई। फिर इनको शायद मेरा नेचर, हमारा काम अच्छा लगा, तो इनको इनको बोले कि हम लोग मिल के आगे काम करेंगे और लॉट्स ऑफ काम करेंगे। तो फिर सर बोले शुरुआत करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है सर, अब शुरुआत करेंगे, लेकिन पब्लिक तक जानी चाहिए अपना गाना, मीडिया में भी आनी चाहिए, हर जगह आनी चाहिए। तो शुरुआत ऐसा करो कि थोड़ा सा अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे आए, आप लोगों को इनवाइट किए कि आप यहाँ पे आए और हम लोग के साथ सपोर्ट करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ आपने सजेस्ट किया वो, मतलब जो ऑडियंस को, मतलब क्या? हाँ, मैंने इनको सजेस्ट किया कि जैसे कि अगर 10 छोटे गाने डाल रहे हैं, 5 छोटे गाने डाल रहे हैं, तो एक हमको कहीं ना कहीं किसी भी जो ट्रेंडिंग में भी स्टार चल रहा है, जैसे नीलकमल है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके गाने अच्छे से खासे चलते हैं, मिलियंस में जाते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन जाते हैं, तो वैसे सिंगर्स को भी लेके हम आएंगे और हम गाना शूट करेंगे और ये भोजपुरी चैनल पे आपको दिखेंगे। गाने बारे में आप जर्नी बताइए, कैसे आपको कास्ट किए इस गाने के और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप सिंगिंग के लिए किसका है? मैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में हूँ 2002 से, आधी ज़्यादा उम्र मेरी बीती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। मैं बेसिकली प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम करता था इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद मैंने 2019 में होता ना कि मतलब जो है अपने काम से लोग बोर होते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। तो मैंने एक फिल्म की थी एज ए हीरो जो वीनस से रिलीज है, छल, लीड किया था मैंने, उसमें डायरेक्शन किया था राजू श्रेष्ठा, मास्टर राजू जी जो एक्टर हैं, फर्स्ट फिल्म थी उनकी डायरेक्शन में और मेरी फिल्म थी फर्स्ट एज ए एक्टर। तो उसके बाद फिर 2 फिल्में और कर रहा था, उसके बाद बैक फिर एक्टिंग का कीड़ा लगा, तो बैक टू बैक सॉन्ग वगैरह। अब हिंदी में पता ही बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे दिखे, और मैं भी यूपी से हूँ, तो भोजपुरी मैंने देखा कि यार जो सिंगर होता है वही हीरो होता है, तो बस वहीं से शुरुआत हुई कि मैंने सिंगिंग भी थोड़ी बहुत सीखी। बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, बस गा रहा हूँ, देखते हैं आके क्या होता है। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, प्यार मिला, तो कुछ होगा। सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, शुरुआत हुई गाना? मेरे को तो सर 5 साल हो गए इंडस्ट्री में, और सबसे पहले मौका हमारे प्रिंस भाई ने दिया मुझे, और फिर सर के साथ में जुड़ा, और तब से बैक टू बैक कुछ ना कुछ एल्बम्स वगैरह या शॉर्ट स्टोरी वगैरह और क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट वगैरह शो वगैरह मैं करता रहा हूँ। बाकी मेरा सपोर्ट किया है प्रिंस भाई ने, और हमेशा मेरे को कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इनका होता है तो मेरे को एक आगे रखते हैं और बोलते हैं कि अभिषेक तुमको ये प्रोजेक्ट करना है। तो मैं इतने सालों में तो बहुत सारा काम किया हूँ, एज जूनियर से आज सीनियर तक मैं, और आज प्रिंस भाई ने लीड एक्टर में मेरे को खड़ा किया है, तो मैं काफ़ी सारा धन्यवाद इनको देना चाहूँगा, प्रिंस भाई को और सर जी को, मैं असलम भाई को भी बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, तो आज इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा है। और मेरी ये मतलब इन्होंने हमेशा एक नए लोगों को काम देने का, मतलब एक रहता ना, बहुत सारे लोग बेचारे इधर उधर बिछरे घूमते रहते हैं, वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, रोज परेशान होके जाते हैं, तो हमारे सर ने, असलम भाई ने, एक ये कंपनी जो हमारा नया सर ने चालू किया, ये नए सर इसलिए चालू किया है कि नए लोगों को, जो स्ट्रगलर लोग हैं जिन्हें एक मौका नहीं मिल रहा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए सर ने आज हमें सपोर्ट किया है, और प्रिंस भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, आज काफ़ी 4-5 वर्षों से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। और भी मेरे एल्बम में राम जी के ऊपर जय श्री राम का नारा है, और BM सीरीज से भी गाने हैं, लीजेंड फिल्म से भी गाने हैं, तो प्रिंस भाई ने, असलम भाई ने हमेशा मेरे को एक आगे रखा है, और इन्होंने मेरी एक्टिंग नहीं देखी और मेरा कोई टैलेंट नहीं देखा, इन्होंने कहा तुमको करना है या नहीं करना है, ना मैं कोई इतना बड़ा एक्टर हूँ और ना मैं कोई सिंगर हूँ, लेकिन सर ने उस लायक मुझे बनाया है कि आज आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ, और ये सब महादेव भोलेनाथ की कृपा है सबका साथ। आपने बहुत सारे एल्बम इससे पहले भी किए हुए हैं, तो क्या कुछ सर के साथ करके क्या कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ क्या कुछ अलग लगा आपको? सर के साथ मुझे काम करके थोड़ा सा नया लगा, और एल्बम तो मैंने उससे भी 2-3 किए हैं, और असलम भाई के साथ सब जुड़ा तो थोड़ा एक नया जोश, नई एनर्जी के साथ काम करने का मौका मिलता है, पूरी फ्रीडम देते हैं, बोलते हैं जो तुमको करना है कर लो, पूरी फ्रीडम के साथ मुझे मौका काम करने का मिलता है, उससे मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। और सर लोगों के साथ मतलब इनकी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये इन्होंने मतलब क्या सोच से क्या समझ के मुझे लेते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी सोचते हैं समझते हैं मेरे लिए बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है, और मैं इनके लिए ये जब भी मतलब कोई भी काम करते हैं तो मेरे को याद करते हैं, ये मेरे लिए प्लस
प्लस पॉइंट है। सेट पे कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस कुछ जो आप शेयर करना चाहोगे जो आपको फनी या फिर इम्पोर्टेंट लगा? सेट पे तो ऐसे काफ़ी मज़ा ही आया मुझे असलम भाई के साथ काम करके, प्रिंस भाई के साथ काम करके। एक तो सर में दर्द नहीं होता, एकदम मज़ा आता है, कूल रहता हूँ मैं शूट पे। और ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं, ऐसे तो बारिश में हम लोगों ने शूट किया, इतना सारा बारिश हो रहा था, फिर भी हम लोग कैसे ना कैसे मैनेज करके हम लोगों ने ये गाना शूट किया। और इसमें सर ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, प्रिंस भाई ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। शूटिंग नहीं हो सकती थी एक टाइम के लिए, बंद हो जाती शूटिंग, लेकिन हमने दोबारा रीशूट फिर मारा, फिर इस गाने को रीशूट किया गया और बाकायदे बहुत अच्छे से इस गाने को शूट किया। और आज आप लोगों के बीच में ये सॉन्ग, मतलब भाई इसका लोकेशन कहाँ था गाने का? विरार में था ये, विरार का लोकेशन विरार का था, विरार रिसोर्ट पे था, रिसोर्ट जी रिसोर्ट में किए थे सर। दो गाने एक लाइन सुना दिए, ये प्रिंस भाई गाएंगे, ये तो सिंगर यही है और मैं तो एक्टर हूं। सिंगर क्या थी वो नहीं याद आज। कंपनी की शुरुआत कहां से हुई असिन भाई, और गाने मतलब कौन कौन से गाने आएंगे भोजपुरी बारे इसके बारे में थोड़ा बताइए। बस गाने पर भी कब गाना लॉन्च कर रहे हैं? जैसा कि अभी एक गाना तो हमारा आज आ रहा है, और हमारी कंपनी की आज से शुरुआत हुई है, 10 गाने हमारे पास ऑलरेडी हैं जो अभी बैक टू बैक हर 3 दिन या 5 दिन में हम लोग रिलीज़ करेंगे। क्योंकि जहाँ गाना अगर बैक टू बैक नहीं आता तो फिर कंपनी धीरे 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 ओल्ड हो जाती है, मतलब यूट्यूब के अगर लैंग्वेज में बात करें तो बैक टू बैक जितना आप गाना डालिए, चाहे जैसा भी गाना आप डाल रहे हो, ऑडियो ही डालो चाहे वीडियो डालो, तो कंपनी की ग्रोथिंग धीरे धीरे ऊपर होने लगती है। जितना ज़्यादा गाना डालेंगे उतना ग्रोथिंग होती है। देखिए क्या होता है ना कि आज एक टाइम था पहले भोजपुरी में ना बल्गर गाने ज़्यादा हिट होते थे, बट अभी आप देखो ना तो एक नया ट्रेंड आया है अभी भोजपुरी में, खास करके हम देखें पवन सिंह हो चाहे नीलकमल जी हो, जो भी गाना गा रहे एकदम एक भी बल्गर गाना लेकिन 400 मिलियन 500 मिलियन गा रहे हैं। तो हम भी वही कोशिश में है कि जैसे वो लोग अच्छा से गा रहे हैं, हम भी अपना बल्गर ना गाएं, अच्छा प्रेजेंट करें और अच्छे सपोर्ट में रहें। और हम अभी कुछ दिन पहले, बहुत दिन बाद मैं शादी अटेंड किया था, मैं बिहार गया हुआ था, तो मैं लिटरली बताऊँ वहाँ पे औरतें भी भोजपुरी गाना सुनती है, क्योंकि अब अच्छे गाने आएंगे तो औरत भी सुनती है, महिलाएं भी सुनती है। बहुत सारे गाने हैं शिल्पी राज के जिसपे महिलाएं मतलब सुनती हैं, उस पर डांस करती हैं, तो आजकल भोजपुरी घर घर तक भी जा रहा है। तो एक टाइम था जब बल्गर की एक ज़माना था, और धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म साल 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे गाने जो मार्केट में आए हैं और अच्छे गाने आए हैं। और आज भी देखिए एक नीलकमल जी का एक अच्छा सा गाना आया है, कमर अप डाउन करके, कुछ भी बल्गर नहीं है, अच्छा है और लोगों का प्यार मिल रहा है, 5-6 मिलियन उनका भी गया। तो अच्छे गाने का मार्केट में डिमांड है और हम अच्छे गाने लेके आएंगे कि हर किसी का प्यार मिले, बच्चे भी सुने, महिलाएं भी सुने, सबको ही सुने, तो धीरे धीरे अपन उस ट्रैक पे जाएंगे। कुछ भोजपुरी के स्टार जो सिंगर बड़े हैं इस कंपनी से, मतलब बहुत नहीं, भोजपुरी जैसे खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, उनसे आएंगे, उनके भी गाने, सबके गाने आएंगे 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 धीरे धीरे। प्लान तो यही है, अभी हमारा कंपनी डाली है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। सर क्या आप मानते हैं कि जो वल्गर गाने होते हैं या फिर जो अच्छे गाने होते हैं उनकी, सर एक वल्गर गाने कहीं ना कहीं कुछ ऊंचे तक जाते हैं, ब्लूज अच्छा जाता है, मिलन जाता है, लेकिन आप अभी अभी अगर आपने आपके पास फोन है ना तो आप सर्च करके देखें, अभी 6 महीने के अंदर साल भर में मैं जो देख रहा हूँ, एक टाइम था, मैं आपकी बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम था बल्गर गाने चलते थे, बट वो गाने बस लोग खुद हेडफोन लगा के सुन सकते हो, आप अपनी माँ बहन के साथ नहीं गुन सकते। लेकिन आप आज की डेट में मरून कलर सर, ये आप लोगों ने सुना होगा, 600 मिलियन गाना गया हुआ है, शायद वो बिलियन में भी चला जाए थोड़ा दिन में, कुछ नहीं, एकदम प्यारा सा सॉन्ग है, हस्बैंड वाइफ के बीच का नौशो का। देखिए डिमांड पब्लिक सुनती है, लेकिन आप दोगे तो सुनेगी ना, देखो आदमी है, पड़ोसोगे तो आप मान लीजिए हम आपके घर पे खाना खाने हैं, अब आप मुझे गेस्ट बुलाए, आप मुझे आप करेले की सब्जी खिला रहे हो, मैं करेला नहीं खाता हूँ, तीखा लगता है, कोई भी नहीं खाता, लेकिन क्या आप मजबूरी में वो खाना पड़ता है, क्योंकि आपके यहाँ मैं गया हूँ, उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, आपकी रिस्पेक्ट रखनी है। तो वही बात यहाँ भी होती है, लोगों को जो मिलेगा वो सुनेगा, अच्छे गाने सुन रहे हैं तो महिलाएं भी सुनते हैं, औरत भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। और खुशखबरी की बात यह है, नेक्स्ट गाना जो रिलीज होने जा रहा है चैनल पे, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब के भांजे हैं, अब्दुल रहमान हुंडेकार, अब्दुल रहमान हुंडेकार नाम है, वो भी एक्टिंग फील्ड में आ चुके हैं, असलम जी से तो मैं प्रिंस जी की वजह से ही जुड़ रही हूँ और आगे और काम करेंगे, बस आप सबका ब्लेसिंग चाहिए। असलम जी आप बताइए क्या अभी आपका इनके साथ नया मतलब आने वाला है, कुछ प्लान करने के लिए क्या 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 दिमाग में आया, कैसे आपने सोचा कि मैं एक मतलब कहां से शुरुआत आपने सोचा, ये एचके कब सोचा आपने कि मैं खुद का एक लॉन्च करूं बोलने तो
अरे हमको बोलने तो दो भाई, 1 ईयर हो गया है मैंने सोच के, एक साल हो गया। उसके बाद हमने गाने शूट किया है, 10 गाने शूट किया है अभी, और गाने की शूटिंग चालू है अभी, और आगे कंटिन्यू गाने करेंगे हम। हिंदी भोजपुरी कर रहे हैं आप? हिंदी भी करेंगे हम लोग, भोजपुरी हरियाणवी करें, तीनों में करें। और हिंदी का भी इन्होंने अभी दो गाना शूट भी किया है, हिंदी के दो गाने शूट किया है। एक गाना हम लोग अभी जस्ट अभी ले रहे हैं, विजय क्या नाम उसका, शाहिद माल्या, उसका गाना कोरियोग्राफर हिंदी का, हिंदी का जीत सिंह, जीत सिंह, जीत सिंह कोरियोग्राफर। सर को बधाई देता हूँ, सर ने कंपनी स्टार्ट किया, हम उनके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे।